नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब के श्री हरगोविंदपुर विधानसभा में। मेरे साथ यहां पर प्रत्याशी मनदीप सिंह जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं भी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। सर, पंजाब की सियासत लगातार करवटें बदलने का काम कर रही है। हम आए दिन कुछ ना कुछ नया देखते हैं। आज भी सर, हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी, लगातार हमलावर हो रही है। तमाम मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल पर इस बार की राजनीति होगी। दिल्ली का मॉडल से मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, बेहतर बिजली और तमाम जो सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं, उस पर सर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो पंजाब का है ना, पंजाब का अपना ही मॉडल है जो वखरा करके दिखाता है पंजाब को। पिछली बार भी कांग्रेस सरकार ने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया, आगे उससे अच्छा काम करेगी जी। लगातार सर, विरोधियां भी, चाहे अकाली दल हो, सुखबीर बादल हो, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि सर धन्ना सेठों की पार्टी मान जाती है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से पिछला उनका बैकग्राउंड है, सोनिया गांधी, तमाम लोग कहीं ना कहीं धन्ना सेठों का आरोप इसलिए लगता है कि सर 132 करोड़ की संपत्ति चन्नी साहब के ऊपर है। तमाम चीज़ों को आप आरोप किस तरह से नकारेंगे? बिल्कुल, ये गलत बात है। ये कांग्रेस सरकार एक वर्कर की सरकार है, गरीबों की सरकार है। मुझे जो हल्का श्री हरमिंदपुर को टिकट दिया, मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ, गाँव का एक सरपंच हूँ, आम आदमी जी। और जैसे बोलते हैं ना, आम वर्कर को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने जी। सर, कांग्रेस पे यह भी आरोप लगता है कि 32% SC समुदाय के वोट को साधने के लिए इस बार कहीं ना कहीं CM फेस चन्नी साहब को बनाया गया। मैं इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। CM चन्नी को बनाया गया 111 दिन में। उन्होंने ऐसे काम किए कि वो ऐतिहासिक फैसले किए गए, लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। उसी को देखते हुए कि लोगों में उनका नाम चलता है, चन्नी चन्नी होता है जी। उसको देखते हुए दोबारा CM चन्नी ही पंजाब का विकास का प्रोजेक्ट है, पंजाब को आगे बढ़ने का उनको तरीका आता है। वो अच्छा काम करते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं पंजाब के। सर, मौजूदा सरकार पे एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लोग लगाने का काम करते हैं कि सर पंजाब में जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, हर साल इस पर राजनीति होती है लेकिन सर ये खत्म नहीं हो रहा, आप इस पर किस प्रकार काम कर रहे हैं? सर, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ समय पिछले में काली गवर्नमेंट रहा, उस वक्त ज़्यादा था, पंजाब सरकार आई जब कम हुआ, आगे सरकार और काम कर देगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा पंजाब में जी। सर, तमाम जैसे रिजर्व सीट है, SC ST OBC और तमाम जो वर्ग है वो आप लोगों के साथ लगने का काम कर रहा है। मैं गिल भी गया था जहाँ पर CM चन्नी साहब की रैली थी, तमाम लोग कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। सर, इस बार रोजगार के लिए क्या रोड मैप है, युवाओं को क्या दे रहे हैं आप इस बार? सर, युवा को तो यही बोलते हैं कि हम जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पे जो बाहर में जाते हैं बच्चे काम करने के लिए, इधर काम करेंगे, इन्हें इधर ही रोजगार मिलेगा इनको। बॉर्डर एरियाओं में जिस तरह से बॉर्डर की विधानसभाएं लगती है, तमाम चीज़ों में सर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि बड़े ही सेंसिटिव इलाके हैं, लेकिन भगवत मान कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पार्टी के जो तमाम जो लीडर हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सुरक्षा मानकों को इस प्रकार देखते हैं कि हमने देखा कि कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक का आरोप पंजाब पर डाल दिया गया। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, उनके पूरा बार देखना होता है, उनकी सुरक्षा पहले होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। पंजाब में सभी सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी जालंधर आते हैं, वो कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा चूक होती है, इस बार पंजाब से राष्ट्र की सुरक्षा चूक हो जाएगी, इस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री का आरोप बेबुनियाद है? नहीं, कोई बात नहीं हुआ। पंजाब में हर एक की निगरानी रखता है, जो भी इधर आता है उनका मान सत्कार पूरा करते हैं, खुले दिले से करते हैं पंजाब वाले लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों का क्या रोड मैप है इस साल? सर, महिला को लेके पिछली सरकार में भी हमारे जो पंचायत की इलेक्शन होती है, MLA की इलेक्शन होती है, सरपंचों में गांव की इलेक्शन होती है, महिलाओं को बाद 33% जैसे होता है पंचायत, महिलाओं को बाद अधिकार दिए गए हैं इलेक्शनों में भी। सरपंची की जो इलेक्शन होती है पंजाब में, महिलाओं को बाद सरपंच बनाया गया है पंजाब में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।